नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे करनाल के असंध में। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, बीरेंद्र सिंह एक साथ नजर आए। राहुल ने अपने संबोधन में डंकी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, मोदी काले कानून लाते हैं, जो आपके पास है वो छीन रहे हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, 25 अरबपतियों के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ हरियाणा की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान गरीब लोगों की रक्षा करता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने आगे कहा कि जिस तरह से बीजेपी किसानों के साथ कर रही है ये अन्याय। सुनिए राहुल गांधी ने क्या पूछा। तो वहीं योगी सरकार ने हाल ही में खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखे जाने का आदेश दिया, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर फायर है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस आदेश को राजनीतिक करार देते हुए सरकार पर तंज कसा है। ऐसे में मायावती के इल्जाम को लेकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से इंडिया वॉइस की टीम ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान जयवीर सिंह ने हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार द्वारा सेम आदेश जारी करने को लेकर जम्मू कश्मीर में सीएम योगी के दौरे को लेकर दिए गए सवालों के जवाब दिए। सुनिए। बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह हैं, उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपकी सरकार ने एक फैसला किया है कि रेहड़ी पटरी, होटल और जो भी रेस्टोरेंट है, खाने पीने की जो भी दुकानें हैं, वहाँ के जो भी ऑनर हों उसका नाम लिखा जाए, कंपनी का नाम लिखा जाए। जबकि इससे पहले भी कावड़ यात्रा के दौरान कुछ जिलों में ऐसा फैसला आया था जिस सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। क्या लगता है इस बार ये फैसला बड़ी तैयारी, कानूनी चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है, या फिर ऐसे फैसला लिया गया है जिस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कहीं वो फैसला सुना सकता है? देखिए, लगातार पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हो रही मिलावटखोरी की घटनाएं और अन्य इस प्रकार की घटना जिनसे इस कानून को बनाया जाना नितांत आवश्यक समझा गया, इसके दृष्टिगत हम लोग ये निर्णय लिए हैं। और उस निर्णय का स्वागत न सिर्फ उत्तर प्रदेश ने किया बल्कि कांग्रेस शासित हिमाचल ने भी उस निर्णय को सम्मानजनक बताया और उसको एडॉप्ट करने की बात कही है। निश्चित रूप से आज का जो परिदृश्य, आज की जो परिस्थितियाँ, आज का जो वातावरण है, उसमें ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ अपेक्षित सामग्री का मिलने का काम हो सके। आप चाहे मंदिरों में देखिए मिलावटखोरी घटना, विभिन्न मंदिरों की, साउथ के मंदिरों की आई बात है, अभी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश की आपके सामने आई हैं, जिस प्रकार से इस तरह की बातें आए कि लोगों में सद्भाव खत्म हो सकता है, उससे दंगे भड़क सकते हैं, उस तरह अन्य अन्य घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो चूंकि सामाजिक ताना माना मजबूत रहे, सामाजिक समरसता रहे, सामाजिक भाईचारा बना रहे और लोगों को भी अपेक्षित रूप से, विशुद्ध रूप से जो सामग्री खरीदना चाहता है वो उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमने ये कानून लाए हैं। और निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि इस कानून को हमने लागू किया है और इस पर न्यायालय भी इन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों का सहयोग करने का काम करेगा। वैसे तो जो निर्णय आता है वो न्यायालय का अपना अधिकार क्षेत्र है, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ वो है, न्यायपालिका अपना काम करती है और न्यायपालिका का जो निर्णय आता है उसका हम पालन कराते हैं। लेकिन काफी सोच समझ के जनहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में ये निर्णय लेने का काम किया गया। सर, क्या इससे पहले भी तो खाद्य विभाग के मिलावटी को लेकर कानून थे या फिर साफ सफाई को लेकर तमाम कानून थे जिस पर अभी तक विभाग चल रहा था, विभाग निगरानी उसी आधार पर करता है। ऐसे में अब जो है इसको क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्या धार्मिक रंग के लिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना? कानून बनते हैं लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार, समय और काल के अनुरूप आवश्यकता को महसूस करते हुए उन कानूनों में बदलाव, उन कानूनों में संशोधन की जरूरत होती है। आप देख रहे हो कानून थोड़ी है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है, कानूनों की धाराओं में संशोधन करना पड़ता है, तमाम नए कानून लाने का काम करना पड़ता है, चाहे भारत सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो। अब निरंतर एक प्रक्रिया है जो आवश्यकता के अनुरूप लोकहित में, जनहित में इस तरह के बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, तब तब
ऐसे कानूनों में बदलाव लाने का काम सरकार करती है। कि आपने सुना कि हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी थे, उन्होंने साफ कहा कि जो नेम प्लेट लगाने का जो मामला है और जो ये आदेश जारी हुआ है, ये एकदम से ऐतिहासिक आदेश है। इसके चलते आने वाले समय में लोगों का जो भरोसा है, जो ग्राहक किसी होटल या रेस्टोरेंट पे एक भरोसा जाहिर करके उसके यहाँ खाना खाता है, उसके यहाँ सेवा लेता है, उसका हमेशा से भरोसा हमेशा बना रहेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वही आम की रंगीन प्रजातियों की यूएस और यूरोपियन देशों में अच्छी मांग है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान द्वारा पिछले कुछ वर्षों में रिलीज की गई आम की प्रजाति अनुडिका और अंबिका भी रंगीन, जल्दी रिलीज होने वाली अवध समृद्धि भी रंगीन है। अवध मधुरिमा जो रिलीज होने की पाइपलाइन में है वो भी रंगीन है। ऐसे में इनके निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। योगी सरकार की मंशा सिर्फ आम के उत्पादन में ही नहीं, निर्यात में भी उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाने की है। अब योगी सरकार जेवर में एडिशनल ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है, जिससे आम के निर्यात में दिक्कत नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के चेनानी में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान, आतंकवाद, आर्टिकल 370 यानी 370 का उल्लेख किया और कहा कि आतंकवाद को दफना दिया गया है और अब उसे लौटने नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आने पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां सिद्धपीठ श्री दूधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर में सोमवार से भगवान को मिठाई का भोग नहीं लगेगा। मंगलवार से प्राचीन हनुमान मंदिर में भी मिठाई का भोग नहीं लगाया जा सकेगा, केवल फल और श्रीफल यानी नारियल का प्रसाद ही चढ़ाया जा सकेगा। मंगलवार से प्राचीन हनुमान मंदिर चौपला में बाजार का लड्डू, बूंदी या किसी अन्य मिठाई का भोग नहीं लगेगा। गुड़, चना, धागे वाली मिश्री या फल का प्रसाद ही हनुमान जी को लगाया जा सकेगा। महादेव, प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, सभी भक्तों को विशेष सूचना, अगले मंगलवार से चौपला मंदिर पे कोई भी बाजार का मिठाई मंदिर पे नहीं चढ़ेगी। किसी भी दुकान की, किसी भी रेडी वाले की वो जो चौपला मंदिर पे नहीं चढ़ाई जाएगी। आपको प्रसाद चढ़ाना है तो घर से शुद्ध लड्डू बना के लाइए, वो लड्डू चढ़ाए जाएंगे। या चना है, गुड़ है, धागे वाली मिश्री है, फल वगैरह है, वो सब चढ़ेंगे मंदिर में। दूधेश्वरनाथ मंदिर में विशेष रूप से ये जो है अपना सभी भक्तों से निवेदन है कि दूधेश्वरनाथ मंदिर में जो गाड़ी पूजन। तो शहीद आजम भगत सिंह के 117वीं जयंती पर आम आदमी पार्टी ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। सरकार की पूंजीवादी नीतियों और निजी अस्पतालों और प्राइवेट स्कूलों की लूट के विरोध में आम आदमी पार्टी के पश्चिम प्रांत अध्यक्ष सोमेंद्र ने अपने सहयोगियों के साथ मेरठ कमिश्नरी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमला करते हुए कहा कि सरकार को आम आदमियों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी का 3 दिवसीय धरना और कमिश्नरी पार्क में यह धरना दिया गया, जहां निजी अस्पतालों और प्राइवेट
स्कूलों में जो लूट हो रही है उसको लेकर विरोध किया गया। तो रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि होटलों में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चार दिन में कई मर्डर और गैंगरेप की वारदात सामने निकल कर आई है। चर्चा में आई है और होटलों में करतूत, पहले हत्या और अब गैंगरेप का मामला सामने आया है। कृष्णानगर में व्यापारी संतोष गौतम का मर्डर हुआ है और होटल पैराडाइज में गैंगरेप का मामला सामने आया है। हाई स्कूल के स्टूडेंट से भी हैवानियत और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब ये वारदात थमेगी, क्योंकि जिस तरह से होटलों में लगातार रेप की घटनाओं से लेकर हत्या की घटनाओं तक जिस तरीके से घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये काउंटिंग, चाहे वो रेप की घटना को लेकर हो या हत्या हो या किसी और प्रकार की किसी कोई अन्य घटना हो, लगातार जिस तरह से होटलों से ये इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इस तरह की घटनाएं कब तक देखने को मिलेंगी। इस खबर पर हमारे साथ था यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अब होटल पैराडाइज में गैंगरेप का मामला सामने आया है और कृष्णानगर में व्यापारी संतोष गौतम की मर्डर का मामला आया है, लगातार ये मामले क्या दर्शाते हैं और ये पूरा मामला क्या है? देखिए शिवम जी, राजधानी लखनऊ में जो ये गैर कानूनी ढंग से होटल चल रहे हैं, ये कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुके हैं। चार दिन पहले संतोष नामक एक व्यापारी की हत्या होती है होटल में, उसकी जो महिला मित्र है वो गला दबाकर हत्या कर देती है और होटल से फरार हो जाती है। अभी ये मामला खुला ही था, इसी इलाके में पैराडाइज पांतीन होटल है, यहाँ पर गैंग रेप का मामला सामने आया है, वो भी कक्षा 10 की स्टूडेंट के पास। कहने का आप ये है कि ये अपराध के फिल्टर बनते जा रहे हैं जो होटल खुले हैं इलीगल ढंग से राजधानी लखनऊ में। अनिल जी, जिस तरीके से ये जो होटल है, जो छोटे छोटे होटल है, यहाँ पर पुलिस की निगरानी नहीं होती क्या? पुलिस चेकिंग नहीं करती है इनके पास लाइसेंस है या नहीं है आधिकारिक तौर पर? ये इस तरीके की होटलें चल रही हैं और यहाँ पर जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है तो घटना घटने के बाद सामने आता है कि फलाना होटल में इस तरह की घटना घटी, तो क्या प्रशासन के नजर में ये सब होटलें नहीं होती हैं? अनरजिस्टर्ड जो होटलें हैं इन पर नजर नहीं रखी जाती प्रशासन की तरफ से? बहुत सही सवाल कहा आपने शिवम जी, एक बड़ा सवाल है। ये रेजिडेंशियल इलाके में जो ये कमर्शियल होटल चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस के संज्ञान में नहीं है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं और आपराधिक वारदातें जो हैं पुलिस के लिए चुनौती बन रही हैं। बावजूद इसके इन होटलों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के जो निचला तबका है वो फिटिंग गेटिंग कर मामले को जो है साफ कर दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो होटल चला रहे हैं इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध हैं। जैसा कि अभी आपने दो दिन पहले गैंगरेप का मामला आया, बिल्कुल, कक्षा 10 की स्टूडेंट वो होटल के कमरे में जाती है, उसके बाद गैंगरेप भी होता है, वीडियो फुटेज भी सामने आता है, एक कमरे में 3 लोगों की एंट्री साफ साफ देखने को मिल रही है वीडियो फुटेज में। बड़ा सवाल है आखिर एक कमरे में एक लड़की और 2 लड़के, वो भी जिसमें एक लड़का नाबालिग है और लड़की नाबालिग है और लोकल लखनऊ के रहने वाले हैं और उनकी एंट्री कराई जाती है और फिर जो मामला सामने आता है पैराडाइज शांति इन होटल में वो गैंग रापता आता है। अब लखनऊ पुलिस के लिए ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। अनिल जी, ये जो होटल पैराडाइज का जिक्र कर रहे हैं आप, अब देखिए, अब घटना तो जिस 10वीं की छात्रा का आप बता रहे हैं कि गैंगरेप हुआ, सवाल यह है कि दोनों तरफ से पुलिस पर उंगली उठ रही है, अगर या तो ये जो होटल है जो अनरजिस्टर्ड है,
अगर ये पुलिस के संज्ञान में नहीं है तब तो ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि रिहायशी इलाके में इस तरीके के होटल और फिर वहां पर नाबालिग और ये बच्चे जाकर इस तरीके का वहां आश्रित कर रहे हैं और फिर इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाती है। और अगर पुलिस के संज्ञान में है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक पैराडाइज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनिल जी देखिए शिवम जी, जिस तरह की चर्चा है, ये जो इस तरह के होटल चल रहे हैं, रेजिडेंशियल घरों में चल रहे हैं, कमर्शियल काम हो रहे हैं, इन पर जो है पुलिस की तरफ से वो सख्ती नहीं बरती जा रही है, लगातार नरमी दिखाई जा रही है। चर्चा तो इस बात की है कि ये होटल वाले बेगारी करते हैं, वक्त जरूरत जो है जो लोकल छोटे तबके के जो पुलिसकर्मी हैं इनकी मदद करते रहते हैं, इसकी वजह पर इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक बड़ा सवाल है राजधानी लखनऊ में, पोनम इन, पैराडाइज पांती इन की तरह सैकड़ों होटल चल रहे हैं जिनमें गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं। तो अनिल जी सवाल ये है कि ये जो होटल पैराडाइज जैसे है, ये छोटे मोटे वो रिहायशी इलाकों में ये जो होटल है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मतलब कहीं से कुछ मामला सेटिंग वाला है या फिर इनको नजरअंदाज किया जाता है और ऊपर तक बात पहुंचने नहीं दी जाती है? देखिए अभी तक जो दो मामले आए हैं, मर्डर का और गैंग रेप का, इन दोनों मामलों में जो होटल हैं इनकी जो है वर्किंग स्टाइल जो है वो फंदे के घेरे में रही है। कहीं ना कहीं होटल जो शमशान की तरफ पे उन नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया है जो कमर्शियल होटल में किया जाता है, जिसकी वजह से मर्डर और गैंग रेप का ये मामला हुआ है। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई, लिखा पढ़ी में कार्रवाई इन होटलों के खिलाफ नहीं हो पाई है। अब ये अलग है कि पुलिस जो है वो दूसरी तरह का दंड दे रही है, ये भी चर्चा है कि पुलिस आर्थिक दंड दे देती है इन होटलों वालों को और वो फूली करके संतोष कर लेती है, कार्रवाई नहीं करती है। इस तरह के भी चर्चे जो है वो चर्चा में आए हैं। अनिल जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आर्थिक दंड लगा देंगे, सवाल यह है कि जब मर्डर होगा, बलात्कार होगा और ऐसे आपराधिक मामलों में आर्थिक दंड लगाया जाता है, क्या इनकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है और इसी वजह से ये अपने मनमानी तरीके से ये होटल चल रही है, उसमें अवैध व्यापार चल रहे हैं, उसमें इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, इनके ऊपर तो इस हिसाब से तो कोई नकेल कसने वाला है ही नहीं और यही वजह है कि घटनाएं ऐसे सरेआम हो रही है लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा है। हाँ बेशक शिवम जी आप सही कह रहे हैं कि आए दिन होटलों में लाशें मिलती हैं, मर्डर हो रहे हैं, गैंगरेप के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हम अकेले पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसमें फायर विभाग भी है, प्रशासन के अधिकारी भी हैं और रैंडम चेकिंग के लिए जो विभिन्न विभाग बनाए गए हैं वो भी हैं, बिजली विभाग भी है। इन कनेक्शन, इन होटलों का कनेक्शन रेजिडेंशियल है लेकिन जो उपयोग हो रहा है वो कमर्शियल हो रहा है। एक सामूहिक जिम्मेदारी है पुलिस और प्रशासन और तमाम विभाग बिल्कुल लोगों के। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्यार में पागल सन के आशिक ने अपनी महबूबा यानी कि प्रेमिका की चाकू से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हां, मामला पकड़ी दयाल के शेखपुरवा इलाके की है जहां पर प्रेमी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था और प्रेमिका से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद प्रेमी ने प्रेमी को प्रेमिका की बात बुरी लग गई और फिर प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से उसके चेहरे, पीठ और पेट पर वार कर दिया। तो वहीं डीएसपी सुबोध कुमार को इसकी सूचना मिली और पुलिस की टीम जब पहुंची तो लड़की अचेत अवस्था में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद पुलिस उस लड़की को सदर अस्पताल लेकर पहुंची और वहां पर फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इससे मेरा भतीजी लाएगी गांव की, अच्छा पड़ोसी है मेरा फर्स की, कि फोन गया सर तुम्हारा भतीजी का चाकू लग गया, जाए से आए तो उठा पटा का गाँव का मेरा गाँव बगल का ही लड़का है सोनी कपूर का, नाम दीपक है उसका, पिताजी का मालूम नहीं है। फिलहाल से जो पेशेंट आया है उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, हमारे एसोसिएट सर्जन अंकल जो है वो आगे फिर देखेंगे, बस यही है। ये तो पहले जो गाल पे जो कट हुआ है वो तो भाई चाकू से ही लग रहा है, सांप ऑब्जेक्ट से काटा गया है, अब क्या चीज से है चाकू से ग्लास अनुसंधान। तो मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में एक 12 साल की नाबालिग के साथ सोच
शौच जाने के दौरान दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने नाबालिग को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर भेजा, जहां चिकित्सकों ने किशोरी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना तारापुर पुलिस थाना पुलिस के पास पहुंचे और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। अगली खबर गोंडा से है, जहां आज जिला प्रशासन और परिवहन विभाग में संयुक्त रूप से अवैध टैक्सी स्टैंड संचालक और अवैध रूप से टैक्सियों का संचालन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की। गोंडा के गुरु नानक चौक से लेकर बस स्टेशन चौराहे तक भयंकर जाम लगता है। यहां पर प्राइवेट टैक्सी लगाकर सवारियां भरी जाती हैं, जिससे सरकारी बसों और अन्य आम व्यक्ति का रोड से निकलना मुश्किल हो जाता था, जिसकी लगातार शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही थी और जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की। तो पहले फर्जी आईपीएस और अब फिर फर्जी दरोगा। जी हां, बिहार के कैमूर से फर्जी दरोगा के गिरोह का मामला सामने आया। दरअसल दरोगा के इस गिरोह द्वारा बीते 24 सितंबर को कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाटा बाजार से एक व्यक्ति को हथियार का भय दिखाकर पैसे की मांग की गई, जिसके बाद उसने अपने भाई के जरिए 22,000 रुपया यूपीआई से ट्रांसफर करा दिया। यही जबरन 20,000 रुपये भी छीन लिया गया। घटना की जानकारी पीड़ित के परिजनों द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा चैनपुर थाना पुलिस को दी गई। एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर गिरोह में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही दो मोबाइल और रस्सा लगा हथकड़ी, नकली बाल, पिस्टल रखने का हॉलस्टर, 22,000 रुपया नगद, स्विफ्ट डिजायर कार सब बरामद हुआ। गिरोह में शामिल सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।